नर्मदे हर मित्रों, मैं हूँ श्याम केवट, ग्राम बकावा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से हरिशंकर शिवलिंग आर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कि ग्राम बकावा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी से पत्थर निकाल कर उनको आकार देकर शिवलिंग के आकार में परिवर्तित किए जाते हैं, लेकिन नर्मदा नदी से प्राकृतिक रूप से शिवलिंग निकलते हैं जो टेढ़े मेढ़े होते हैं और ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं। आसानी से नर्मदा नदी में नहीं मिलते, इनको ढूंढने के लिए बहुत ही अधिक समय देना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर अभी कुछ शिवलिंग निकाल कर रखे हैं। देखिए, ये पूरा प्राकृतिक रूप से अर्धनारेश्वर शिवलिंग है और यह नर्मदा नदी से इसी आकृति में मिला है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे पत्थर है, देखिए इधर, यहाँ पर पानी का लेवल बहुत ही कम है। इन पत्थरों को यहाँ से ले जाया जाता है ग्राम बकावा में और इनको आकार देकर शिवलिंग की आकृति में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से भी ऐसे पूरे गोल आकार में नहीं मिलते, थोड़े हल्के टेढ़े मेढ़े इस प्रकार से शिवलिंग मिलते हैं जो प्राकृतिक रूप से अपनी आकृति लिए होते हैं, जैसे कि अर्धनारेश्वर प्राकृतिक रूप से। अब ये पत्थर तो यह किसी भी तरह से शिवलिंग की आकृति में नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको यहाँ से ले जाएंगे और फिर इसको आकार देकर गोल आकृति में परिवर्तित करेंगे, तब जाकर यह शिवलिंग की आकृति में परिवर्तित होगा। लेकिन यह भी शिवलिंग की आकृति में पूरा परिवर्तित नहीं है, लेकिन यह है पूरा प्राकृतिक। इस पर मानव के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया, ना इसको हथौड़ी से काटा गया, तोड़ा गया, कुछ भी नहीं किया गया, पूरा प्राकृतिक है। और आज से पहले जब ये मशीन नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तब लोग अपने घरों में प्राकृतिक रूप से मिले हुए शिवलिंग को ही, नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने घरों में रखते थे, पर आज मशीनों की सहायता से शिवलिंग को गोल करके फिर उसको घर में रखा जाता है। तो जब पहले इसी प्रकार के और भी मैंने यहाँ पर निकाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, वो प्राकृतिक रूप से त्रिकुंडल इस शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक रूप से तीन मालाएं बनी हुई है। इस प्रकार से नर्मदा नदी से मिलने वाले टेढ़े मेढ़े शिवलिंग निकलते हैं, पूरे गोल आकार में नहीं निकलते। और इसके ऊपर देखो आप, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पत्थर है, ये देखिए, इसमें ओम की आकृति बनी हुई है, ये पूरा प्राकृतिक है, इसमें ओम की आकृति बनी हुई है। ऐसे पत्थर बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। ये अगर शिवलिंग बनाना हो तो यहाँ से किसी भी पत्थर को उठाकर लेके जा सकते हो और शिवलिंग बना सकते हैं, लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से ऐसा ओम वाला ढूंढना हो तो बहुत ही अधिक समय लगता है। और इधर नर्मदा जी के बहाव में ये पत्थर, इनके जो देखो पत्थरों के जो हिस्से होते हैं वो नुकीले होते हैं, तो नर्मदा जी की धारा बहुत ही अधिक है, इस वजह से ये पूरा जो नुकीले पत्थर होते हैं उनके नुकीले हिस्से टूट जाते हैं और गोलाकार रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण गोलाकार नहीं होकर थोड़े हल्के टेढ़े मेढ़े रहते हैं और उन्हीं के द्वारा इस पत्थरों से शिवलिंग बनाए जाते हैं। जैसे कि अभी ये भी है, तो ये भी पूरा गोल नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी इसका कोई सा भी कोना पूरा नुकीला नहीं है। ये नर्मदा जी के बहाव में आकर पूरे टेढ़े मेढ़े होकर इस प्रकार की आकृति धारण की है, प्राकृतिक ओम वाली। और यहाँ पर और भी है पत्थर जो, और ये गोल आकृति परिवर्तित करने में आज कम से कम ये 400-500 साल की क्रिया लगती है, ये पूरी प्राकृतिक क्रिया होती है, तभी पत्थरों का आकार गोल होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको और भी नर्मदा नदी और उनका सुंदर मनोरम और चित्र देखना हो, शिवलिंग देखना हो, तो आप हरिशंकर शिवलिंग आर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।